हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं जाऊंगी मूवी देखने जवान, वो भी अकेली। तो मैं बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड हूँ। अकेली तो मैं कहीं पर भी नहीं जाती। जो लोग मेरे सारे ब्लॉग्स वगैरह देखते हैं उन लोगों को पता होगा कि मैं कहीं पर भी अकेली नहीं जाती। छोटा सा छोटा काम हो तो भी मैं फ्रेंड या किसी को तो लेके जाती हूँ। लेकिन आज मैं जाऊंगी अकेले क्योंकि कोई है नहीं। मैंने पूछ के देखा, नहीं जाएंगे, सब लोग ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन मुझे बहुत मतलब मन है देखने का। SRK की मूवी मैंने हॉल में कभी नहीं देखी। इतने सारे मूवी हॉल में देखी लेकिन SRK की मूवी नहीं देखी। पता नहीं क्यों, एक दो बार ऐसे प्लान होता था फिर कैंसिल हो जाता था, बट इस बार ऐसा है कि मुझे देखनी है। ऊपर से दीपिका पादुकोण भी है, इसलिए मुझे ऐसा है कि मुझे अकेला जाना पड़े तो मैं जाऊंगी। और वैसे भी मैं सोच ही रही थी अकेली कहीं पर जाऊं, देखते हैं खुद की कंपनी कैसी लगती है। मूवी बहुत अच्छा है ऐसे बहुत लोग बोल रहे हैं, तो मुझे भी ऐसे देखनी है। तो चलो अभी मैं तैयार होंगी, उसके पहले मैं कुछ खा लूंगी। निकलने वाली हूँ, थोड़ा सा जल्दी निकल रही हूँ क्योंकि मैंने टिकट लिया नहीं है, तो जाके टिकट भी लेनी पड़ेगी। इतना ज्यादा धूप निकला हुआ है ना, देखो SRK के फैन फिर भी इस धूप में निकली हूँ मैं मूवी देखने के लिए। वाव, मैं ना थोड़ा सा ज़्यादा ही जल्दी चली गई थी तो मुझे वहाँ पर वेट करना पड़ा। ऐसे अंदर भी नहीं जाने देते, मूवी स्टार्ट होने से थोड़ी देर पहले ही जाने देते। आई हूँ और मैंने बाहर उतना शूट नहीं किया, ऑफ कोर्स खुद की कंपनी एंजॉय करने गई थी। शूट तो छोड़ो, मैंने फोटोज भी नहीं लिए, एक दो ही सेल्फी लिए थे। फोटो खींच के कौन देगा, है ना, सेल्फी कितना ही ले लोगे। और मुझे ऐसा नहीं था कि फोटो खींचनी है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, खुद का कंपनी मैंने पहली बार ऐसे इंजॉय किया। आप लोग भी ट्राई करना, बहुत मजा आएगी। मैं ना जब हॉल में वैसे बैठी हुई थी तब ना मुझे ऐसा हो रहा था यार, पीती तू ये क्या कर रही है, मतलब लड़की यहाँ से वहाँ जाने के लिए भी लोग चाहिए, वो मूवी देखने आ गई, वो भी अकेली। सो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। और उफ, मूवी के बारे में क्या ही बताओ, एकदम जबरदस्त मूवी थी। और एक सोशल मैसेज भी देना चाहते हैं मूवी के थ्रू से, सो आप लोग जरूर देखिएगा, आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा, मुझे मालूम है। मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ, कल रात को दी के साथ बात हो रही थी, तब ना दी को मैंने बोला कि आज ऐसे मूवी देखने जाऊंगी। दी ने पूछा किसके साथ, मैंने बोला अकेली। दी को ऐसे मतलब विश्वास नहीं हो रहा था, दी बोल रही कि मैं झूठ बोल रही हूँ। फिर मुझे डाउट करने लगी किसके साथ जा रहे हो, मुझे नहीं बता रहे हो, क्या है क्या नहीं है, ऐसे पूछने लगी। मैंने सच में, मैंने दी को ऐसे बोला, सच में मैं अकेली जाने वाली हूँ। विश्वास नहीं कर रही थी मेरा, बट मैं क्या ही कर सकती थी, मैं सिर्फ बोल ही सकती थी। और अभी मैं बनाऊंगी कोल्ड कॉफी, चलो दिखाती हूँ कैसे बनाऊंगी, थोड़ा सा अलग तरीके से बनाऊंगी। वैसे तो मैंने खुद भी वैसे नहीं खाया कभी भी।
तो चलो मैं आप लोग को बताती हूँ मैंने क्या क्या डाले थे। मैंने सबसे पहले डाले थे मिल्क, उसके बाद मैंने ऐड किए थे चीनी। चीनी थोड़ा सा कम ही डाले मैंने, कि आइसक्रीम भी डालने वाली थी और आइसक्रीम तो मीठा ही होता है। फिर मैंने डाले कॉफी और उसके बाद मैंने डाले चोकोबार। चोकोबार किसे पसंद नहीं, मुझे तो बहुत पसंद है, तो ऐसे मैं डाल नहीं पा रही थी इसलिए थोड़ा सा मैंने खा लिया। उसके बाद मैंने डाले और फिर मैंने थोड़ा सा ऐड किया पानी और उसके बाद थोड़ी देर चला लेना है, दैट्स इट। उसके बाद हो गया हम लोगों का कोल्ड कॉफी। उसको फिर मैंने ग्लास में डाल दिया और मैंने जिस वाले मग में कॉफी पी थी वो वाला मग मुझे मिल ही नहीं रहा था, जो भी वो मैंने ग्लास में ले लिया। फिर ऊपर से मैंने थोड़े से डाले केक चॉकलेट वाले और थोड़ा सा वेनिला आइसक्रीम, तो और फिर मजे से मैंने खाई और थोड़ा सा केक बच गया था तो मैंने वेनिला आइसक्रीम के साथ खा ली। बहुत अच्छा लगता है, आप लोग ट्राई करना। तो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, आज के लिए बाय।